हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आपके बहुत कमेंट आ रहे थे हमारे चैनल पे कि भाई वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करते हो, वीडियो की वॉइस चेंज कैसे करते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपके सामने लेके आ रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वीडियो बनाएं कैसे। तो दोस्तों, इस ऐप से जो वीडियो बनाई जाती है वो थोड़ी बारीकी से बनाई जाती है, ये हम आपको स्टेप बाई स्टेप इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए माफ चाहते हैं यार कि अभी नया चैनल है, पहली वीडियो है, कोई सेटअप वगैरह भी नहीं है हमारे पास, लेकिन आपका सपोर्ट रहा तो सेटअप भी बनेगा, सब काम होगा। तो दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहना है। तो चलिए दोस्तों, ना ज़्यादा समय लगाते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको सिखाते हैं कि एक प्रोफेशनल कार्टून स्टोरी कैसे बनाई जाती है अपने स्मार्टफोन से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपना क्रोमा टून्स ऐप ओपन करेंगे वो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ आपको लेट्स स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आपको इस डबल स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना एक बैकग्राउंड चुन लेना है। तो चलिए हम बैकग्राउंड चुनते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको कुछ बैकग्राउंड्स दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे ये बैकग्राउंड 2 है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कैसा बैकग्राउंड आ चुका है, और यहाँ से आप कई तरह के बैकग्राउंड्स हैं दोस्तों, यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड चुन सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आपको बहुत सारे बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं, यहाँ से आप चाहें तो अपनी मर्जी से ये ग्रीन बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने ये ग्रीन बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है। अब आप चाहते हैं अपनी मर्जी से कस्टम बैकग्राउंड लगाना, तो आपको इस वॉच ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐड ओपन होगी, तो उस ऐड को आपको पूरा वॉच कर लेना है। वॉच करने के बाद आपके सामने इनपुट बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप पहुँच जाएंगे अपने फ़ोन गैलरी में। फ़ोन गैलरी में पहुंच के आपको अपना मनचाहा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों, इस ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना कैमरा एंगल यहां से एडजस्ट करके सेट कर देना है, जैसे कि हम इसे एडजस्ट करके सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ ये ठीक है। तो दोस्तों, आपको अपने कैरेक्टर के नीचे एक मूव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप अपने कैरेक्टर को मूव करा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको इस कैरेक्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, तो दोस्तों यहाँ इस ऐप की एक खास बात है कि आप इसमें 4 कैरेक्टर एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से कुछ कैरेक्टर्स ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी तरह के कैरेक्टर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको अपनी स्टोरी के हिसाब से अपने कैरेक्टर्स ऐड कर लेने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ से ये विलेज मैन और ये इंडियन वाइफ 2 का कैरेक्टर यहाँ से ले लिया है। तो आपको अब ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इस मूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने कैरेक्टर को अपने स्थान पर सेट कर लेना है, और इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके ये ग्रीन कलर में फ्लिप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। तो दोस्तों, इससे आपका कैरेक्टर का फेस इधर से उधर हो जाएगा और अपने कैरेक्टर को अपने स्थान पर सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको इस प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से अपने कैरेक्टर की सारी एनिमेशन सेट करनी है। यहाँ पे आपको 6 एनिमेशंस मिलती हैं, यहाँ सबको आपको आइडल पे सेट कर देना है। तो दोस्तों, आपको याद रखना कि 6 की 6 एनिमेशन आपको आइडल पे सेट कर देनी है, जिससे कि सीधा का सीधा खड़ा रहे, इधर उधर हिले नहीं आपके टच करने के साथ। तो दोस्तों, दोनों कैरेक्टर की हम एनिमेशंस यहाँ आइडल पे सेट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको फिर से प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है और अपने कैरेक्टर की पहली एनिमेशंस पर यहाँ पे हम अपने कैरेक्टर को वॉक कराना चाहते हैं, तो इस वॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, जिससे कि ये वॉक करता नज़र आएगा। तो दोस्तों, हम दूसरे कैरेक्टर की एनिमेशंस को भी वॉक कर देते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ से वॉक कर दिया। तो दोस्तों, हमारे कैरेक्टर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ से आपको शो की फ्रेम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और इस एनिमेशन पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो दोस्तों, अब हम अपनी एनिमेटेड स्टोरी क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, हम इस कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने वीडियो का एंगल सेट यहाँ से कर लेते हैं, जैसे कि हमने अपनी वीडियो का एंगल यहाँ पे सेट कर दिया है। तो दोस्तों, अब आपको प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना है, फिर इसको थोड़ा सा और माइनस करना है, फिर इसको क्लिक कर देना है और इसको फिर थोड़ा सा और माइनस कर देना है, जिससे कि अपने फ्रेम पे ये पूरा सीन यहाँ से दिख सके। फिर आपको प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है
उसके बाद इस कैमरा वाले ऑप्शन को यहाँ से आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद दोस्तों कैरेक्टर के नीचे मूव वाले ऑप्शन पर टच करके कैरेक्टर को थोड़ा आगे करना है, फिर दूसरे कैरेक्टर को थोड़ा आगे करना है, उसके बाद इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों ये प्रोसेस आपको तब तक करनी है तब तक दोनों कैरेक्टर आगे ना आ जाएं। थोड़ी सी एनिमेशन सेट करने के बाद आपको इस प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक ज़रूर करना है। तो दोस्तों अब ये हमारे कैरेक्टर दोनों पास आ चुके हैं। अब हमें इस कैरेक्टर को रोकने के लिए प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस बॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आइडल करने देना है। तो दोस्तों इस दूसरे कैरेक्टर से हमें बातचीत कराना है तो इसको यहाँ से टॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जितना लंबा आपका डायलॉग है उतनी बार इस प्लस वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है। उसके बाद इस कैरेक्टर को रोकने के लिए इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे आइडल कर देना है और दूसरे कैरेक्टर के प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमें इसको बातचीत करानी है तो इस पे आइडल पे क्लिक करके यहाँ से इसको यहाँ टॉक कर देना है। तो हमने इसे टॉक टू कर दिया जिससे कि ये इसका जवाब दे रही है। तो दोस्तों जितना इसका लंबा डायलॉग है उतनी बार इसको आपको टैप करना है और कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करके इसे जूम कर देना है जिससे कि एक प्रोफेशनल लुकिंग इस वीडियो में आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको अपनी बातचीत का सीन पूरा यहाँ से क्रिएट कर लेना है। तो दोस्तों आपको याद रखें कि अगर आपको वॉक कराना है यानी कि कैरेक्टर को चलाना है तो आपको वॉक करना है, बातचीत करानी है तो आपको टॉक करना है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको अपनी एनिमेशन स्टोरी पूरी क्रिएट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों इन दोनों की बातचीत पूरी हो चुकी है, अब इस कैमरा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से इसको फुल स्क्रीन पे सेट कर देना है। तो दोस्तों आपको इसको एडजस्ट करके इस कैमरा वाले ऑप्शन पे टैप करके इसे ऑफ कर देना है। उसके बाद इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से आपको कैरेक्टर को वॉक के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमें दोनों कैरेक्टर को वॉक कराना है तो दोनों कैरेक्टरों को वॉक कर देते हैं। तो दोस्तों अब आपको फिर से वही प्रोसेस करना है जो हमने आपको पहले बताया था, कैरेक्टरों को थोड़ा थोड़ा आगे करना है और इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से इन दोनों कैरेक्टरों को थोड़ा थोड़ा आगे करना है और फिर से इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको अपनी पूरी एनिमेशन स्टोरी बना लेनी है। चलिए दोस्तों हमने जो स्टोरी बनाई थी उसे आपको प्ले करके दिखाते हैं। तो हम इस प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी वीडियो प्ले हो चुकी है। तो दोस्तों अभी हमें इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है क्योंकि दोस्तों इस ऐप में एक ख़ास बात है कि इसमें कोई वीडियो को एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं है और दोस्तों इस वीडियो में कोई वॉइस नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। ये वॉइस हमें इस वीडियो में एडिटिंग के समय देनी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे की प्रोसेस हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले समय में हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।